तो अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जानने के पहले इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होने वाले हैं कि क्या होता है कि जब कोई भी वेव जनरेट होता है तो वेव के पास में उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जिसके अंदर हम दो प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, एक हम देखेंगे उसका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है कि जैसे कि मैं दो वेव बना रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट वेव की बात करूँ और उसी के नीचे अगर मैं सेकेंड वेव की बात करूँ, तो दोनों वेव में डिफरेंस क्या है कि दोनों डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं, बट हो रहा है कि ये सिर्फ एक फुल वेव बना रहा है और ये एक दो और ये आधा, मतलब ढाई वेव बना रहा है। मीन्स इसका अगर वेवलेंथ की बात करूँ तो इसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगा लैम्ब्डा, अगर ये लैम्ब्डा वन है, लैम्ब्डा टू है, तो लैम्ब्डा वन जो है, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ, जो लैम्ब्डा वन है वो ज़्यादा है लैम्ब्डा टू से। बट अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं एन वन लेता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी को एन टू लेता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी कैसा है, जो कौन ज़्यादा बार वाइब्रेट करता है, मीन्स ऊपर नीचे जाके कौन ज़्यादा बार आता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो एक ही बार ऊपर गया, एक ही बार नीचे आया, मीन्स का वाइब्रेशन एक है। यहाँ पर लिखेंगे तो एक दो ढाई, मतलब तीन बार ऊपर गया, दो बार नीचे आया, सेम डिस्टेंस पे, मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एन वन ज़्यादा है, सॉरी एन वन कम है, एन टू ज़्यादा है, एन टू हमारा फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है। तो अगर मैं इसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर मैं वेव के एनर्जी को देखूँ, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, मीन्स इस वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी और इस वेव की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि ये जो जिसकी एनर्जी कम है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है, इसके वजह से इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक सेंड नहीं कर पाएंगे। इस वेव के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये ज़्यादा दूर तक हम लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेज पाएंगे, और ये वेव हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मीन्स एनर्जी ज़्यादा है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है कि अ लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब ये वाला सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस, इसको हम लोग लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एनर्जी भी लो होती है। तो करते क्या है कि इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सिग्नल, इसी सिग्नल को अगर हमें दूर तक भेजना है तो पहले इसको जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में हमें कन्वर्ट करना होगा। इट इज सुपर इम्पोज ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वेव, सुपर इम्पोज मतलब वही किसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, सुपर इम्पोज करना लो फ्रीक्वेंसी वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वेव में, ताकि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए और हम इसको दूर तक ट्रांसमिट कर सकें। इसी को बोलते हैं हम लोग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो आपको इतना लिखना है कि अ लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस, इसको नहीं भेज सकते। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सिग्नल इट इज सुपर इम्पोज टू हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अब इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से डायग्राम बनाया है। तो ये हमारा डायग्राम है, देख सकते हैं ये पुराना वेव था जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा था बट फ्रिक्वेंसी कम था। अब ये इसी वेव को सुपर इम्पोज किया मैंने, तो इसमें देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक फुल वेव बना रहे हैं, और यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और साढ़े सात आठ वेव बन रहे हैं। मीन्स देखने से मालूम पड़ रहा है इसका वेवलेंथ ज़्यादा है बट फ्रीक्वेंसी कम है, इसका वेवलेंथ कम है बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस वेव को मैंने इस वेव में कन्वर्ट किया, तो देखिए इसके इन्फॉर्मेशन में उतने चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि अगर इस वेव से अगर मुझे ये वेव देखना हो इस वेव के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं बताऊँ इसको, तो देखिए ये वाला जो वेव बड़ा सा है इसी को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसी को कहते हैं सुपर इम्पोज करना। तो अब ये वेव हम दूर तक नहीं सेंड कर सकते थे, बट अब जब इसको सुपर इम्पोज कर दिया हाई फ्रिक्वेंसी वेव में, तो हम इसको अब दूर तक सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना ये भी ख़त्म हो गया। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कर दो ताकि नई वीडियो मालूम पड़ते रहे। और एक पॉइंट बताना मैं भूल गया था कि ये जो सुपर इम्पोज वाला प्रोसेस होता है, मीन्स मॉड्यूलेशन का प्रोसेस, ये हमारे जहाँ से सिग्नल सेंड करते हैं वहाँ पे होता है, मीन्स ट्रांसमीटर में होता है। इट इज़ डन बाय ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर में होगा जहाँ पे हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी वेव को हाई फ्रिक्वेंसी वेव में कन्वर्ट करेंगे, फिर सामने वाले के रिसीवर में भेजेंगे। तो ये जो भी मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है ये जहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंड होती है मीन्स ट्रांसमीटर में होता है। तो ये तीन पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन ये आए तो। थैंक यू।